Assalamu alaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 7. On page number 7, today we learn about distributive property of multiplication over subtraction of fraction. Student, ये जो है 6th property कहलाती है fractions की, ठीक है? अब तक की classes में जो है, मैं आपको 5th property के बारे में, मतलब 5 properties के बारे में जो है, बता चुके हैं. Last class में जो है, हमने 5th property के बारे में discuss किया था, और वो कौन सी property थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6th प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी में भी जो है हम 3 फ्रैक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, और 3 फ्रैक्शन का यूज हम किस वे में करते हैं? उसको हम मल्टीप्लाई एंड माइनस की साइन के साथ यूज करते हैं. यानी कि 3 फ्रैक्शंस आपके पास यहाँ गिवन होंगे एंड 2 साइंस गिवन होंगे. कौन सी साइंस गिवन होंगी? मल्टीप्लाई एंड माइनस की साइन गिवन होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी में किस टाइप की इक्वेशंस का यूज किया जाता है, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करूंगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, 5/6 मल्टीप्लाई 2/4 माइनस 3/8. ओके, देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5/6 मल्टीप्लाई 2/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/8. सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ 3 फ्रैक्शंस का यूज किया है और मल्टीप्लाई एंड माइनस की साइन का यूज किया है. राइट हैंड साइड पे मैंने सबसे पहले ब्रैकेट में जो है वो सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को लिया है माइनस की साइन के साथ, और ब्रैकेट के बाहर जो है मैंने फर्स्ट वन फ्रैक्शन को लिया है मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ. मींस फर्स्ट वन फ्रैक्शन जो है वो अंदर वाली दोनों फ्रैक्शन के साथ जो है मल्टीप्लाई होंगे. इसी तरीके से इसी चीज़ को मैंने राइट हैंड साइड पे भी आपको क्लियर किया है कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो थर्ड फ्रैक्शन के साथ आपके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों के आंसर्स को हम माइनस करेंगे, यानी कि दोनों के फ्रैक्शन को हम माइनस करेंगे. तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है. इस किस्म की तमाम वैल्यूज को जो है, तमाम इक्वेशंस को का यूज हम कौन सी प्रॉपर्टी में करते हैं, यानी कि ये इक्वेशंस कौन सी प्रॉपर्टी में यूज की जाती हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. याद रखिएगा, इस किस्म की जितनी भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होंगी वो कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करेंगी? वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन से बिलोंग करेंगी. ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 9. On page number 9, we have third exercise from this unit and today we work on question number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay? 1 till 5 तक के questions पे आज हम यहाँ work करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? Open your maths copies and maintain your page like this. Okay? First, write down complete date here, exercise 1.3, page number 9. एक्सरसाइज एंड पेज आपको लाजमी मेंशन करना है, देन मेक अ लाइन प्रॉपरली, वेरीफाई दैट कॉपी करना है, देन फर्स्ट पार्ट आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेंगे जिस वे में मैंने आपको कॉपी करके शो किया हुआ. ठीक है, देन सॉल्व राइट करेंगे एंड रफ कॉलम आपको लाजमी मेंशन करना है यहाँ पर. ठीक है, रफ वर्क आप जरूर मेक कीजिएगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में वर्क किया था वैसे ही हम 1.3 में भी वर्क अटेम्प्ट करेंगे. ओके, सो आपको फर्स्ट वन फ्रैक्शन जो गिवन है वो है, मतलब फर्स्ट वन इक्वेशन जो आपको गिवन है वो है 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4. सो इसमें आप देख सकते हो आपके पास जो कंप्लीट इक्वेशन गिवन है उसके 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, एंड दोनों को आंसर को पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं. अगर वो बिल्कुल इक्वल होंगे तो इट मीन्स आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो बिल्कुल वेरीफाइड हो चुकी है, और अगर वो आंसर आपका सिमिलर नहीं आएगा तो इट मीन्स वो नॉट वेरीफाइड होगी. तो यहाँ हम सबसे पहले डिसाइड अभी नहीं करेंगे जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करें. जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो वेरीफाइड है या नॉट वेरीफाइड है. क्लियर है बात? तो हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की. तो यह मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट करूँगी, और देन लेफ्ट हैंड साइड पर जो मुझे वैल्यू गिवन है वो है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/4 देन ब्रैकेट क्लोज.
सो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ब्रैकेट में हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में किसकी साइन है, माइनस की साइन गिवन है। जब भी आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन होंगे और आपके पास माइनस की साइन गिवन होगी तो वहाँ हम सबसे पहले क्या लेते हैं, उस फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का लिया जाता है। और आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ गिवन है वो है 2 and 4। तो हम यहाँ सबसे पहले 2 and 4 का एलसीएम लेंगे, रफर में लेंगे और पेंसिल का यूज़ करेंगे। ओके, रफर का पेंसिल से ही अटैम्प करोगे। 2 1 2, 2 2 4, देन 1 आपका सॉल्व हो चुका है, 2 1 2। तो जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4। जब आपने एलसीएम का आंसर आ गया, आपका क्या आ गया 4, जब आपका आंसर आ जाएगा तो आप उसको इस वे में राइट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट देन 4 एंड ब्रैकेट। स्टूडेंट ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि एलसीएम के आंसर को हम चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट्स की टेबल में चेक करते हैं। और जितने टाइम्स में वो आ रहा होता है तो न्यूमिरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम आता है, तो उसी के न्यूमिरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम आता है, तो हम उसके न्यूमिरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 - 1 1 1। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 2 - 1/4। अब यहाँ आप नॉर्मली जो है इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। और जब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ आपको ब्रैकेट राइट करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली माइनस करेंगे। 2 में से 1 को माइनस किया, 1 देन 4, यानी कि 1/4 आपके पास यहाँ आ गया ब्रैकेट का आंसर। अब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में आपके पास मल्टीप्लाई की साइन गिवन है। स्टूडेंट जब भी आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और आप बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम वहाँ लाजमी करेंगे और अगर नहीं होगा तो हम उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने चेक किया 1 and 4 सिमिलर टेबल में नहीं आते, इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे। एंड 2 and 1 भी जो है वो सिमिलर टेबल में नहीं आते, तो इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1, 2 4 8। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वो क्या आया, 1/8। अब मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो राइट हैंड साइड की करने जा रही हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले हम वो कॉपी करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके स्टूडेंट, यहाँ जो है राइट हैंड साइड पे आपके पास टू ब्रैकेट्स गिवन है और दोनों में आपके पास टू फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं हो सकता है तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने चेक किया तो यहाँ पर कोई भी डिजिट जो है वो सिमिलर टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इट मीन्स हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 1st ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 2nd ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 1 1, 2 2 4। ब्रैकेट आप यहाँ से रिमूव कर दोगे क्योंकि आप ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके हैं। देन 1 1 1, 2 4 8। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1/4 and 1/8। और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपके पास कौन सी साइन गिवन थी, माइनस की साइन गिवन थी। अब आपके पास टू फ्रैक्शन गिवन है और बीच में आपके पास माइनस की साइन गिवन है। जब भी आपके पास टू फ्रैक्शन गिवन होंगे माइनस की साइन के साथ, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है जो कि हम रफवर्क में लेंगे पेंसिल से। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो है वो एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। 2 से हमने लेना स्टार्ट किया, 2 2 4, 2 4 8, देन 2 1 2, 2 2 4, देन 1 as it is कॉपी किया, 2 1 2। अब आपके पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो क्या आ गए, 2 2 4, 4 2 8। ओके, तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 8 आपके पास जो है वो एलसीएम का आंसर आ गया, ठीक है। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो उसी के न्यूमिरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने टाइम्स में आ रहा होगा उसके न्यूमिरेटर को उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देन 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में आता है, तो उसके न्यूमिरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आप यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 2 - 1 1 1। अब यहाँ आप नॉर्मल माइनस कर सकते हो क्योंकि यहाँ आप इसको एलसीएम के थ्रू जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। 2 में से 1 को माइनस किया, 1
एंड नीचे क्या आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर आपका सेम एज इट इज रहेगा। तो आपका राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है 1/8। स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो आपका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो 1/8 आ रहा था और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो आपका 1/8 ही आ रहा है। तो इट मीन्स आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और मीन्स उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बराबर है, जिसके लिए हम क्या राइट करते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और दोनों की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1/8 इज इक्वल्स टू 1/8 और ये चीज़ आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर चुके हैं। ओके, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को वेरीफाइड ही करना था तो यहाँ पर आपने इसको वेरीफाइड भी करके शो कर दिया। क्लियर है बात? नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट टू की, ठीक है। अब हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है पार्ट टू और उसके लिए जो है हम नेक्स्ट पेज पे वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप अपना जो है वो पार्ट टू कॉपी करेंगे लाइक दिस, इसी तरीके से सॉल्व राइट करेंगे और रफ कॉलम लाजमी मेक करेंगे जिसकी हमें नीड है हर पार्ट में। ओके स्टूडेंट, जो आपके पास पार्ट टू यहाँ गिवन है वो है 1/2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1/3 माइनस 2/9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1/2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1/2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/9 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, देन हम दोनों साइड्स का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो बिल्कुल एक दूसरे से बराबर है या नहीं, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर गिवन है सबसे पहले मैं वो कॉपी करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, 1/2/3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 2/9। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू गिवन है वो उसमें जो है सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट्स में हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और उसके बीच में कौन सी साइन गिवन है, आपके पास माइनस की साइन गिवन है, ठीक है। और जब भी आपके पास टू फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन होती है और सेंटर में आपके पास माइनस की साइन होती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का लिया जाता है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, 3 and 9। हम इसको डायरेक्टली 3 से करना स्टार्ट करेंगे, 3 ones are 3, 3 threes are 9, देन 1 एज इट इज कॉपी किया 3 ones are 3 और जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे आप नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 threes are 9। तो आपके पास जो आंसर आया एलसीएम का उसको हम किस वे में राइट करते हैं, लाइक दिस, ओके। फिर एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट की टेबल्स में चेक करते हैं कितने टाइम्स में आ रहे हैं और फिर न्यूमिरेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 के टर्म में 9 3 टाइम आता है तो उसके न्यूमिरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 9 के टर्म में 9 1 टाइम आता है तो उसके न्यूमिरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। अब यहाँ हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 threes are 3 माइनस 2 ones are 2। अब यहाँ आप इसको नॉर्मल माइनस भी कर सकते हो क्योंकि आप एलसीएम के थ्रू जो है उसको सॉल्व कर चुके हो। यहाँ ब्रैकेट का अब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम कम्प्लीटली जो है वो ब्रैकेट का आंसर राइट करने जा रहे हैं और ब्रैकेट का आंसर क्या आया आपके पास, 3 में से 2 को लेस किया 1 देन 9, क्योंकि 9 जो है वो उसका डिनोमिनेटर है। स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है लेकिन जो आपके पास फर्स्ट वन फ्रैक्शन गिवन है वो आपके पास मिक्स नंबर में गिवन है, मीन्स वो एक तरीके का मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। होल नंबर एंड फ्रैक्शन अगर आपके पास गिवन होते हैं जब दोनों एक साथ आपके पास कंबाइन करके राइट किया जाता है वो एक तरीके का कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाया जाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ प्लस कर लेते हैं। 3 ones are 3, 3 में 2 plus किया 5, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 जो आपके पास सेकंड फ्रैक्शन था आप उसको एज इट इज कॉपी करोगे लाइक दिस, ओके। अब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साइन गिवन है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो हम उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने चेक किया 5 and 9, 1 and 3 को तो वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इसलिए हम डायरेक्टली आंसर राइट करेंगे, यानी कि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर राइट करेंगे। 5 ones are 5, 3 9s are 27। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले हम उसे कॉपी करेंगे, 1 whole number
2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, ओके, देन माइनस ब्रैकेट 1 होल नंबर 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास टू ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट्स में जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन भी गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट वन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, देन हम सेकंड वन ब्रैकेट को साथ उसके साथ साथ जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। स्टूडेंट, जो आपके पास फर्स्ट वन फ्रैक्शन गिवन है वो एक तरीके का कंपाउंड फ्रैक्शन है, उसमें आपके पास होल नंबर गिवन है, तो सबसे पहले इस होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसका वे जो है मैं ऑलरेडी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बता चुकी हूँ, 3 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन जै 3 और उसके साथ 2 प्लस कर लिया, तो 3 एंड 2 को प्लस किया कितना हो गया 5, तो 5 अपॉन 3 हमारा एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 हमने कॉपी किया, देन माइनस जो आपके पास सेकेंड ब्रैकेट गिवन है उसमें भी आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 3 वन जै 3, 2 प्लस किया 5, 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9, ओके। अब आप यहाँ ये चेक करोगे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है दोनों साइड्स पर, और दोनों साइड्स पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन गिवन है, अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वरना जो है हम उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 5 वन ज़ा 5, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 5 एंड 3 एंड 1 एंड 3 सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, और यहाँ पर भी 5 एंड 9 एंड 2 एंड 3 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, 5 वन ज़ा 5, 3 थ्री ज़ा 9, देन माइनस 5 टू ज़ा 10, 3 नाइन ज़ा 27, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो जब मैंने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है तो यहाँ मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया और टू फ्रैक्शन मेरे पास आ गए, और बीच में मेरे पास किसकी साइन गिवन है, माइनस की साइन मेरे पास यहाँ गिवन है, तो जब टू फ्रैक्शन की बात हो रही होती है और सेंटर में उसके पास माइनस की साइन होती है, तो हम वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जो है हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है, मीन्स 9 एंड 27 का जो है हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ओके। इसको मैं 3 से करने जा रही हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, देन 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन 1 एज इट इज़ आया और 3 वन ज़ा 3। अब जो फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करूँगी मैं यहाँ पर, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एलसीएम का आंसर क्या आ गया मेरे पास यहाँ, 27 आ गया। एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल्स में चेक किया जाता है कि वो कितने टाइम्स में आ रहा है, और उसके न्यूमिनेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो 9 के टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो हम न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 27 के टेबल में 27 वन टाइम आता है तो हम उसके न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 10 वन ज़ा 10, अब यहाँ जो है आप नॉर्मल माइनस कर सकते हो, 15 में से 10 को लेस किया 5 एंड 27 हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 अपॉन 27 आ रहा था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी जो है हमारा क्या आ रहा है, 5 अपॉन 27 ही आ रहा है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है, और ये चीज़ हम यहाँ सॉल्व करके वेरीफाइड भी कर चुके हैं, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 5 अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 27, और ये बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल इस वे में राइट करके आप शो करोगे, ओके, लाइक दिस, क्लियर है बात। स्टूडेंट, यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि पार्ट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। पार्ट 3 के लिए जो है वो आप अगेन अपना नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे लाइक दिस, ओके, देन थर्ड वन पार्ट आप कॉपी करेंगे, सॉल्व राइट करेंगे, देन रफ कॉलम ऐसे ही मेक करेंगे जिसे हमें हर पार्ट में जो है नीड है, ठीक है। और थर्ड वन आपके पास जो पार्ट गिवन है वो है 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 होल नंबर 4 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज इजिकल्स टू ब्रैकेट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 4 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज, ओके। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 4 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 6, ओके। स्टूडेंट, यहाँ जो आपके पास वैल्यू गिवन है ब्रैकेट में, वो एक वैल्यू जो है आपको कंपाउंड फ्रैक्शन में गिवन है और दूसरी वैल्यू जो है आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड फ्रैक्शन वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय
और किसी भी कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने का वे क्या होता है कि उसके डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके न्यूमिनेटर को उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे 3 2 6, 4 प्लस किया, 6 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 6। अब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और उसके बीच में किसकी साइन है, माइनस की साइन आपके पास यहाँ गिवन है। जब आपके पास टू फ्रैक्शन गिवन होंगे माइनस की साइन के साथ तो उसका एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, 3 and 6 का एलसीएम लेने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले 2 से लूँगी, 3 एज इट इज़ राइट किया क्योंकि 2 के में 3 नहीं आता है, एंड 2 3 ज़ा 6। देन मैं 3 से करूँगी इसको, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, और जो फैक्टर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर लूँगी अब मैं, 2 3 ज़ा 6। तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया मेरे पास, यहाँ 6 आ गया। उसको मैं किस वे में शो करूँगी, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वन फ्रैक्शन राइट किया, देन 6 एलसीएम का आंसर आया है। ओके, अब मैं एलसीएम के आंसर को चेक किस में करती हूँ कि डिनोमिनेटर के डिजिट्स जो भी आपके पास गिवन होंगे आप उसके टेबल्स में चेक करेंगे कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है और फिर उसके न्यूमिरेटर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो आप उसकी के न्यूमिरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6 टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम आता है, तो आप उसके न्यूमिरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे, 10 2 ज़ा 20 माइनस 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ आप नॉर्मल माइनस कर सकते हैं, ठीक है, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 20 में से 2 को लेस किया, 20 में से 2 को लेस करेंगे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 18, और 6 आपका एज इट इज़ आ गया, तो हमने यहाँ 6 को राइट किया। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जब मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब आपके पास टू फ्रैक्शंस यहाँ गिवन है और बीच में कौन सी साइन गिवन है, मल्टीप्लाई की साइन गिवन है। जब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन होते हैं और मल्टीप्लीकेशन की साइन गिवन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें, ये देखते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर वहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड अप्लाई हो रहा होगा तो हम वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नहीं होएगा तो हम वहाँ डायरेक्टली जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन हमने जब चेक किया 3 and 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ओके, क्लियर है। देन 4 and 18 को जब मैंने चेक किया तो वो भी सिमिलर टेबल से मल्टीप्लाई हो सकते हैं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18। क्लियर है बात। अब जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई वो क्या है आपके पास, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2। अब यहाँ आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगी क्योंकि ये और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो 1 9 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 9 अपॉन 4। क्लियर है बात। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। ओके, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल नंबर 4 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास टू ब्रैकेट्स गिवन है, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट में आपके पास फ्रैक्शन गिवन है और बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन गिवन है। लेकिन जो फर्स्ट वन ब्रैकेट आपके पास यहाँ गिवन है उसमें आपके पास एक आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है और सेकंड आपके पास जो है कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले आप इस कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन आप आगे कंटिन्यू करोगे, और जिसके लिए हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर में प्लस कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 4 प्लस किया कितना हो गया 10, 10 अपॉन 3, देन 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6। अब आप यहाँ देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स में आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में आपके पास मल्टीप्लीकेशन की साइन भी गिवन है। ओके, सो स्टूडेंट जब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन गिवन है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हम उसको नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा तो हम उसको डायरेक्टली नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हमने चेक किया फर्स्ट वन ब्रैकेट में 3 and 3 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, यानी कि 3 1 ज़ा 3 and 3 1 ज़ा 3। ओके, देन 4 and 10 को जब मैंने चेक किया तो वो भी सिमिलर टेबल से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ओके,
इसी तरीके से हम सेकंड ब्रैकेट पे आते हैं और सेकंड ब्रैकेट को जब हमने चेक किया 3 and 6 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3, 3 1 3, 3 2 6। देन 4 and 2 को चेक किया तो वो भी सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 2, 2 2 4, 2 1 2। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई वो क्या है, 1/2 × 5/1 − 1/2 × 1/2। क्लियर है बात? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास जो रिमेनिंग नंबर रह गए हैं यानी कि रिमेनिंग फ्रैक्शन रह गए हैं, आप उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। 1/5 = 5, ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया है तो आप ब्रैकेट यहाँ शो नहीं करेंगे। 2 1 = 2, देन माइनस 1 1 = 1, 2 2 = 4। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वन ब्रैकेट का आंसर क्या आ रहा है, 5/2, माइनस सेंटर में था तो हमने माइनस राइट किया, देन 1/4। अब आपके पास टू फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में माइनस की साइन गिवन है। जब आपके पास टू फ्रैक्शन गिवन होते हैं माइनस के साइन के साथ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम हमेशा किसका राइट करते हैं, डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है टू फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में, यानी कि टू फ्रैक्शन और जिसके बीच में जो अगर आपके पास माइनस के साइन गिवन है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ टू से ही लेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, देन 1, 2 1 = 2, और आपके पास जो फैक्टर्स आते हैं आप उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 = 4। तो एलसीएम का आंसर आपके पास यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया है। ओके, अब आप एलसीएम के आंसर को किस में चेक करते हो, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, और उसी के न्यूमिरेटर को उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है तो उसके न्यूमिरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है तो उसके न्यूमिरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 2 = 10 माइनस 1 1 = 1। ठीक है, क्लियर है? देन आप यहाँ नॉर्मल माइनस कर सकते हैं, 10 में से 1 को लेस किया 9 और 4 हमारा डिनोमिनेटर जिसको हमने एज इट इज राइट।